क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे पता है आप परेशान क्यों। वो अब डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, तो आप नर्वस आ रहे हो ना। क्या पापा बन जाओगे? है ना, है ना, है ना? नहीं मुस्कान, पापा बनने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये सोच रहे हैं कि जब ये डिलीवरी होगी, जब हम पापा बनेंगे, जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो तुम हमसे बहुत दूर चले जाओगे। फिर मुस्कान हटे, क्या हुआ हमारी मुस्कान को? क्या हुआ इसे? मुस्कान, मुस्कान क्या हुआ? कोई बताएगा कुछ? सर ये बेहोश हो गई, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मुस्कान आइए उठाइए इसे। डॉक्टर सब ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, शी इज फाइन नाउ। बस थोड़ी कमजोरी थी जिसकी वजह से चक्कर आ गया था। सर आपसे विनती कर रहे हैं, मुस्कान की एप्लीकेशन मंजूर करवा दीजिए। देखिए बेहोश हो गई, आज कल कुछ भी हो सकता है इसे या बच्चे को, कुछ भी। तो किसकी जिम्मेदारी होगी बताइए? कौन जिम्मेदारी उठाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? कुछ भी हो सकता है जी। प्लीज प्लीज हम रिक्वेस्ट जा रहे हैं आपसे। ठीक है, हम इनकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। पेपर्स दो मुझे। यहाँ पे पीछे। लेकिन इनके साथ पुलिस सिक्योरिटी 24 घंटे रहेगी, ये घर से बाहर नहीं जा सकती। और अगर इन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जी 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 चल जी। अनंत जी आपसे वादा करती हूँ, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ? कहो ना, हम तुम्हारे जान तारे कुछ भी ला सकते हैं, तुम बस कहो, ऑर्डर दो। जान तारे नहीं चाहिए। फिर? हाथों से हम खाना चाहती हूँ। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे पता है आप परेशान क्यों।
वो अब डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, तो आप नर्वस से आ रहे हो ना कि आप पापा बन जाओगे, है ना? है ना? है ना? नहीं मुस्कान, पापा बनने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये सोच रहे हैं कि जब ये डिलीवरी होगी, जब हम पापा बनेंगे, जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो तुम हमसे बहुत दूर चले जाओगे। फिर एक बार फिर से बहुत दूर। ये सोच रहे हैं कि पापा होकर मां का प्यार कैसे देंगे। तुमसे ये सवाल करेगा, तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो क्या बोलेंगे हम? कहाँ हो तुम? किस लिए गई? क्यों गई? रौनक जी, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, उसे हम बदल नहीं सकते। पर उसके बारे में सोचकर हम अपना आज खराब क्यों करें? ये जो पल मिले हैं हमें साथ साथ, खुशी के पल, उसे खुलकर जीते हैं ना। आने वाले कल के बारे में सोच कर नहीं। शायद सही कहा तुमने। मैं अंदर आ जाऊं? डॉक्टर आइए आइए। शुक्रिया, आपने प्रस्ताव स्वीकार किया, आपको बहुत याद कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना मुस्कान? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ सब ठीक है, आप भी ना रौनक जी? ध्यान रख रहे हैं अच्छे से, फिर भी आपको याद कर रही थी। मैम इनकी बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी, आप बैठिए ना। बताइए ना क्या क्या बात है, कुछ डिस्कस करना है आपको? एक्चुअली मैं मुस्कान की सोनोग्राफी रिपोर्ट डिस्कस करने आई थी। तो कीजिए ना, पति हैं, हमारे सामने तो कर सकती हैं। रौनक भैया, आपको माताजी बुला रहे, कुछ जरूरत है उन्हें। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं, चलो। वो नीचे जाके देखते हैं सब इंतजाम कैसा है, क्या है। वो मैडम के स्वागत में कमी ना रह जाए इसीलिए। बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ मैम, आप स्ट्रेस में क्यों दिख रहे हो? मुस्कान, एक्चुअली मैं तुम्हारे सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर आई हूँ। हाँ तो क्या है रिपोर्ट्स में? तुम्हारे प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन? क्या बात है मैम, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ तुम्हारा बच्चा अभी ठीक है। अभी तो ठीक है मतलब? मतलब मुस्कान, तुम्हारे पेट में दो बच्चे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? पहले की रिपोर्ट में तो हाँ आई नो कि पहले की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था, बट इट्स ट्रू, एक्चुअली इट्स अ रेयर केस ऑफ हिडन ट्विन्स प्रेगनेंसी। मतलब
आम तौर पे ऐसा होता है कि ट्विंस बच्चे एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में एक बच्चा दूसरे बच्चे के ठीक पीछे है, इसलिए हमें शुरू के सोनोग्राफी में ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट हुआ अब वो हमें दिखाई दे रहा है। देखो मुस्कान, एक माँ होने के नाते तुम्हारा जाना ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे बच्चे के बचने के चांसेस कम है। क्या, क्यों, क्यों मैम, ऐसा ऐसा क्यों? भाभी नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें नीचे चलना चाहिए। आइए भाई, ध्यान से। हाँ मैम, आप भी चलिए। चलो चलिए मुस्कान की गोद भराई की रस्म अब शुरू करते हैं। हाँ
भगवान करे तू और तेरा आने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और तुम्हारी लंबी उम्र। बहुत केयरफुल रहना होगा अभी, ठीक है? डिलीवरी तक तुम्हारी हालत अभी बहुत सेंसिटिव है, हाँ? समझ रही हो ना? यार डॉक्टर, क्या सेंसिटिव बोले आपने? मतलब क्या क्या कोई सीरियस बात तो नहीं है? सेंसिटिव क्या सेंसिटिव? क्या बात है? वो मैं ये कह रही थी कि एक सेंसिटिव केस है, मुझे जाना होगा। सॉरी, मैं पूरा फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, हम पूरी बात सुन नहीं पाए ना इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक आप हैं यहाँ पे, मतलब अपनी फेवरेट पेशेंट की गोद भरा एंजॉय कीजिए आप। जी। नानक जी। हाँ। बोलो। देखो सबको कितने खुश हैं साहब। खुशी है रौनक जी के चेहरे पर। ऐसे में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर मैं इनकी ये खुशी नहीं छीन सकती हूँ। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो हमको? मुझको ज्यादा प्यार आ रहा है क्या? वो तो हमेशा आता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत घुटन हो रही है रौनक जी। घुटन हो रही है? एक तरीका है तुम्हारे घुटन को छूमन तक करने का, वैसे कुछ वैसे कैसे? चलो तुम्हें ले चलते हैं आइसक्रीम खिलाने। चुपचाप खाते हैं, चलो। नहीं नहीं रौनक जी, वो फंक्शन चल रहा है, पुलिस है यहाँ पे, मुझे अलाउड नहीं है। पुलिस को चकमा देना, हमने पीएचडी किया, तुम जानती हो ना। हम रौनक सिंह है, कौन? रौनक सिंह द ग्रेट, रिलैक्सिया इंटेंशन। देखो अब देखो हमारा प्लान, देखो अनमोल, एक काम करो, फटाफट गाड़ी निकालो, भाभी को ड्राइव पर लेके जाना है। कहाँ भाग रहे दोनों?
जी वो मुस्कान को आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो उसको ले जा रहा था आइसक्रीम खिलाने के लिए। जी अच्छा आइसक्रीम खिलवाने निकलो। नहीं नहीं सब वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, बेचैनी हो रही थी, इसलिए आइसक्रीम खाने जा रहे। बस आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ज्यादा कहानियां मत बनाओ, मैं जानता तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं 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 सर, भागने की कोशिश नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी के अभी मुस्कान का पैरोल कैंसिल करता हूँ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर।